दुबई का सबसे अमीर व्यक्ति, द रिचेस्ट मैन इन दुबई। नमस्कार दोस्तों, टॉप 10 हिंदी की एक और रोचक वीडियो में आपका स्वागत है। दुनिया में कोई अमीर है तो कोई गरीब, दुनिया में बेहद अमीर व्यक्ति और साथ ही बेहद गरीब व्यक्ति मौजूद है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी अमीरी अविश्वसनीय होती है। इस वीडियो में हम आपको दुबई के सबसे अमीर व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी अमीरी को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, दुबई को अमीरों का देश भी कहा जा सकता है। दुबई में 40,000 से भी ज्यादा लखपति मौजूद हैं। दुबई खूबसूरती और लग्जरी के मामले में बेहद प्रसिद्ध है। दुबई के आलिशान होटल्स, यहाँ के अद्भुत रेस्टोरेंट्स और होश उड़ा देने वाली बिल्डिंग्स जैसे बुर्ज खलीफा इसे और भी खास बना देती हैं। जैसा कि अब आप समझ गए होंगे कि दुबई में काफी अमीर लोग रहते हैं, लेकिन दुबई में एक व्यक्ति ऐसा है जो कुछ इस प्रकार की जिंदगी जीता है जिसकी शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है दुबई, और क्यों ना हो, उसमें शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम जैसे अमीर व्यक्ति जो मौजूद हैं। आपको बता दें कि इनकी लाइफस्टाइल काफी विशेष है। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम जिस परिवार में जन्मे थे वो 1833 से दुबई पर राज कर रही थी। इनका जन्म 15 जुलाई 1949 को हुआ। अल मक्तूम एक बेहद अमीर परिवार में जन्मे थे, जिसके कारण इन्हें वो सबसे उत्तम शिक्षा मिली जो कि पैसों से खरीदी जा सकती थी। इन्होंने यूनाइटेड किंगडम में पढ़ाई की और जब ये बड़े हो गए तो अपने घर वापस लौटे और कुछ सालों तक दुबई पुलिस फोर्स के हेड रहे। जब 1971 में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बनाया गया, तब ये केवल 22 साल की उम्र में मिनिस्टर ऑफ डिफेंस बन गए थे। आपको ये भी अधिक लग रहा होगा, लेकिन इन्हें मिनिस्टर ऑफ डिफेंस बनने के बाद भी चैन नहीं था और दुबई के और फिर कुछ सालों बाद ये 1995 में क्राउन प्रिंस बने। क्या आपको लगता है ये यही रुक जाएंगे? जी नहीं, 2006 में ये आगे जाकर दुबई के रूलर और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्रधानमंत्री बने, और वो भी केवल 48 घंटों में। अब दुबई हमेशा से ऐसा नहीं था जैसा आप आज देखते हैं, साथ ही हमेशा से यहाँ इतनी आलीशान जिंदगी और अमीरी भी नहीं थी। अल मक्तूम के फैसलों और पॉलिसीज ने दुबई की तरक्की में अहम भूमिका निभाई। इन्होंने अपने करियर के दौरान एमिरेट्स एयरलाइंस की शुरुआत की, जो कि दुनिया के सबसे सफल एयरलाइंस में से एक है। दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा भी मौजूद है, जिसकी ऊंचाई 828 मीटर है, जो कि 1,40,000 करोड़ की बिल्डिंग है, जिसे दुनिया की सबसे आलीशान बिल्डिंग्स में से एक माना जाता है। इन सब में शेख अल मक्तूम का काफी योगदान रहा। अल मक्तूम के पास दुबई में काफी प्रॉपर्टीज हैं और दुनिया के कई हिस्सों में इनकी मिलियन डॉलर्स की प्रॉपर्टी मौजूद है। शेख अल मक्तूम के पास 2 प्राइवेट इंसानों द्वारा बनाए गए द्वीप हैं और साथ ही इनके पास सबील पैलेस भी है। सबील पैलेस एक शानदार महल है जो कि दुबई के मध्य में मौजूद है और ये एक प्राइवेट सीक्रेट बिल्डिंग है। हालांकि इसे आलीशान होने के कारण जाना जाता है, जिसमें आलीशान कमरे, प्राइवेट पूल और बेहतरीन डिजाइन वाला महल अल मक्तूम की ही प्रॉपर्टी का एक हिस्सा है। अब ऐसे आलीशान महल तो किसी को भी संतुष्टि दे सकते हैं, लेकिन अल मक्तूम को नहीं। इनके पास यूनाइटेड किंगडम में भी प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। इन्होंने 1,000 मिलियन डॉलर का रियल एस्टेट खरीद रखा है, जो कि इनकी नेटवर्थ का एक छोटा सा हिस्सा है। इनकी नेटवर्थ लगभग 4 बिलियन डॉलर यानी 28,000 करोड़ है। इनके पास सबसे महंगे एस्टेट हैं, जो कि 75 मिलियन डॉलर महंगे हैं, जो कि लगभग 512 करोड़ रुपए के बराबर है। ये एक राजा के लिए अच्छा पैलेस है। इसमें बताया जाता है कि दर्जनों बिल्डिंग्स मौजूद हैं और लैविश एमिनिटीज मौजूद हैं। इन्होंने दलाम हॉल को भी 2009 में 45 मिलियन डॉलर्स में खरीद लिया। इन्होंने ये इसलिए खरीदा क्योंकि ये शहर से मीलों दूर था। दलाम हॉल अपने घोड़ों के अस्तबल के लिए विशेष है, जहां घोड़ों की रेस भी होती है। मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम को ऐसे खेल बहुत पसंद है। इन्होंने 1992 में कदल फार्म रेसिंग का निर्माण किया, जो कि काफी सफल हुआ। इसमें लगभग 5,000 रेसेस हुई। इन्होंने अपने आप को दुनिया के कुछ सबसे महंगे घोड़ों को खरीद कर और भी विशेष बना लिया। इन्होंने केवल 10 घोड़ों पर ही लगभग 16 मिलियन डॉलर्स खर्च कर दिए थे, जो कि भारतीय रुपए में लगभग 112 करोड़ रुपए के बराबर है। अल मक्तूम के पास हॉर्स स्टेबल्स दुबई के साथ साथ जापान, आयरलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स में भी मौजूद है, जहाँ इनका जोन्हा बेल फार्म मौजूद है। जोन्हा बेल फार्म में घोड़े कई साधारण लोगों से भी अच्छी जिंदगी जीते हैं। इसमें एक खिड़की और एक फैन है, जो कि घोड़ों को ठंडा और आरामदायक महसूस कराता है। अल मक्तूम केवल घोड़ों पर ही खर्च नहीं करते, बल्कि उनसे बहुत सारा पैसा भी कमाते हैं। जैसे जोन्हा बेल फार्म में मेडिटली एड दे दियोरो दुनिया का सबसे महंगा ब्रीडिंग स्टैलियन है,
जिसकी कीमत $2,00,000 है। और होगा क्यों नहीं, जब आप एक बेहद अमीर व्यक्ति होते हैं तो आप ऐसे ही अपने पैसे खर्च करना चाहेंगे। साथ ही समुद्र के बीच में एक यॉट पर भी रहना अफोर्ड कर सकते हैं, सभी सुविधाओं के साथ। अल मक्तूम के सुपर यॉट को देखकर कोई भी हैरान हो जाएगा, जिसका नाम दुबई है। इसकी कीमत लगभग $400 मिलियन है। अगर आप इनके यॉट को देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ इतनी आलीशान और अद्भुत चीजें मौजूद हैं कि आप सोचेंगे इसमें लगा हुआ एक भी डॉलर बर्बाद नहीं गया होगा। अब ये यॉट आपको बेहद अमीर फील कराने के लिए काफी हो सकती है। मुझे तो लगता है कि अगर आपको इसमें सफर करने का मौका दिया जाए तो आप जिंदगी भर भी इसमें रह सकते हैं। ये यॉट दुनिया के सबसे लंबे यॉट्स में से एक है, जिसकी गजब की लंबाई 532 फीट है। अगर यॉट को उसके बो पर खड़ा कर दिया जाए तो ये आज के पिरामिड्स ऑफ गीजा से भी ऊपर निकल जाएगा और बिग बेन से दोगुना बड़ा होगा। क्यों, अब तो आपको इसकी लंबाई का अंदाजा लग ही गया होगा। अगर राशिद अल मक्तूम को कोई भी पार्टी छोड़नी होती है तो वो अपने कमरे में चले जाते हैं। इसमें 48 मेहमान रह सकते हैं और वो भी 28 अलग अलग सूट्स में, जहां फ्लैट स्क्रीन टेलीविजन और बालकनीज है। हालांकि अगर आप एक यॉट पर होते हैं तो आप बाहर रहना ही पसंद करते हैं, जिसके लिए यहां जैकूजी और इन्फिनिटी पूल्स मौजूद हैं, जो कि आपको काफी आनंद का अनुभव कराते हैं, जो कि हाथों से बने टाइल से भरे हैं। आप सच में बहुत मस्ती करना चाहते हैं तो यहाँ एक गैराज भी मौजूद है, जहाँ स्पीड बोट्स और एक सबमरीन मौजूद है, जिससे आप इमरजेंसी में निकल सकते हैं। अब यहाँ से निकलने का एक और तरीका है, जो कि है इनका प्राइवेट हेलीकॉप्टर, जो कि हेलीपैड से टेक ऑफ कर सकता है। सोचिए, अल मक्तूम का ब्लैक हॉक ही $6.8 मिलियन महंगा है। ये एक ऐसी जिंदगी है जो हम सब जीना चाहते हैं, लेकिन शायद ऐसी शानदार जिंदगी हम सबके भाग्य में नहीं होती जो अल मक्तूम जीते हैं। क्या आपको लगता है कि अल मक्तूम केवल चीजों को खरीद कर ही पैसे खर्च करते हैं? जी नहीं, जब इन्होंने 1982 में प्रिंसेस सलमा से शादी की, जो कि उनकी छठी पत्नी है, उन्होंने दुनिया की सबसे महंगी शादी की, जो कि एक 20,000 सीट्स के स्टेडियम में हुई, जिसमें लाखों डॉलर्स खर्च हुए। आपको बता दें, इन्होंने केवल इस प्रकार से अपने पैसों को खर्च नहीं किया, बल्कि इन्होंने बहुत सी चीजों का दान भी किया है। जी हाँ, अल मक्तूम काफी आलीशान जिंदगी जीते हैं और अपने एम्पायर में राज करते हैं। दोस्तों, एक सवाल मेरा भी है आपसे कि अगर आप भी ऐसे ही अल्ट्रा रईस होते तो आप अपने पैसों को किस प्रकार से खर्च करना चाहते, हमें कमेंट में बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही रोचक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपके अपने पसंदीदा चैनल टॉप 10 हिंदी पर। धन्यवाद।